इस लंबी यात्रा के अंदर आपके कई उतार चढ़ाव, कई चुनौतियां आई होगी जीवन के अंदर, और उन चुनौतियों का आपने किस तरीके से समाधान किया, उस चुनौतियों से लड़े, और चुनौतियों से व्यक्ति को जिंदगी भर लड़ना है, लेकिन जो चुनौतियों से लड़ेगा वही सफलता प्राप्त करेगा। जो हर चुनौतियों को ये मानकर कि इसमें से ही मेरे जीवन के बेहतरीन का रास्ता निकलेगा, या इस चुनौतियों के माध्यम से ही मैं समाज की बेहतरीन कर सकता हूं, तो ही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्तियों चुनौतियों का सामना नहीं करता या चुनौतियों से बचना चाहता है, उसकी सफलता में भी प्रश्न चिन्ह लगता है। और जो जितनी अपने जीवन में आए पहलुओं पर, विषयों पर, अपने रिसर्च पर, अपने इनोवेशन पर, जो कुछ भी आपने कुछ इनोवेशन आपके सफल होंगे, कुछ इनोवेशन सफल नहीं होंगे, कुछ रिसर्च पेपर आपके अच्छे निकलेंगे, कुछ पेपर रिसर्च निकलेंगे, लेकिन इसी में से ही आप में से ही कुछ लोगों ने जीवन के अंदर अपने प्रयासों से, अपने सामर्थ्य से समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन भी किया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कुछ भी इनोवेशन किया, जो कुछ भी आपने जीवन में नया किया है, उसमें समाज में परिवर्तन भी हुआ है और सफलता भी मिली है। असफलता में से ही सफलता का रास्ता निकलता है। कई बार व्यक्ति सफल होता रहता है तो वो राजनीति जीवन में सोचता है कि मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान, या अलग अलग क्षेत्र, तो राजनीति क्षेत्र में सोचता है मेरी लोकप्रियता है, मेरी ताकत है, लेकिन उस सफलता के बाद भी अगर व्यक्ति नया इनोवेशन करता रहता है, नई सोच रखता रहे, और वो सोचे कि इसी सोच से ही मैंने जो कुछ किया वही बेहतर था, इसी से सफलता मुझे मिली है, नई सोच, नई विचार को लाने का प्रयास नहीं करे, क्योंकि बदलते दुनिया के अंदर अब नया टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। अब नई टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी एक नई टेक्नोलॉजी का बड़ा साधन है, लेकिन उससे भी कुछ और परिवर्तन होना है। बहुत सारे परिवर्तन अभी हो गए हैं, हो सकता है कि 5 सालों में और नया परिवर्तन हो। तो हम ये नहीं कह सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ही अंतिम पड़ाव है टेक्नोलॉजी का, उसके बाद बहुत सारे टेक्नोलॉजी के पड़ाव आएंगे। टेक्नोलॉजी से व्यक्ति की जीवन में जल्दी सफलता भी प्राप्त की है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करने के समय उसका कुछ मानवीय संवेदना वाला पहलू उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। इसलिए हम जब अध्ययन प्रशिक्षण करते समय समाज जीवन के उन पहलुओं को छूने का प्रयास करें, समाज जीवन में उन व्यक्तियों से मिलने का प्रयास करें जिनके जीवन को और कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप तो यही है, उद्यमिता तो यही है, हर रोज नया सोचना और नया परिवर्तन करना,
नया विचार आना, नया चिंतन आना, नया इनोवेशन आना और उसको करते रहना लगातार। कभी भी स्थिर विचार व्यक्ति को आगे नहीं ले जा सकता, स्थिर चिंतन भी नहीं ले जा सकता और स्थिर इनोवेशन भी नहीं ले जा सकता। उन्होंने कहा ये इनोवेशन अंतिम इससे तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो भी नहीं ले जा सकता। इसलिए हर क्षेत्र में पहले अपना जीवन के कुछ लक्ष्य तय होने चाहिए, कुछ दिशा तय होनी चाहिए। जब लक्ष्य तय होते हैं, दिशा होती है, तो उस दिशा लक्ष्य की ओर प्रयास किए जाते हैं और प्रयास तो निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर प्रयासों से सफलता मिलती ही मिलती है। थका निराश व्यक्ति कभी जीवन में न तो खुद में परिवर्तन ला सकता, ना समाज में परिवर्तन ला सकता। कई लोग सोचते हैं बस हो गया, इतना ही काफी था, यही सफलता का अंतिम पड़ाव है। ये सोच मन में आते ही कहीं ना कहीं हम स्थिर विचार की ओर बढ़ गए हैं। और स्थिर तो कोई भी चीज स्थिर रखेंगे तो उसमें कुछ न कुछ सड़ान गंदगी आनी है, कुछ अवसाद आने हैं। जीवन में स्थिर विचार से भी अवसाद आते हैं, प्रकृति में स्थिरता होती है तो भी प्रकृति अनुकूल नहीं करती। तो स्थिरता तो के कई उदाहरण है कि स्थिर जीवन से परिवर्तन नहीं बढ़ता। मैं आपसे यही चर्चा करना चाहता हूं कि आपका लक्ष्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए जीवन जी रहे हैं और क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठे हैं, इस लोकतंत्र के इतिहास, यहां की वैभवशाली परंपरा, परपाटियां को जब आप समझेंगे कि किस तरीके से आजादी के पहले यहां लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता था और आजादी के बाद बहुत सारे परिवर्तन यहां पर हुए हैं, यहां पर भारत का संविधान बना जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और उस समय क्या परिस्थिति रही होगी। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप यहां बैठकर दुनिया को देख लो, दुनिया के संविधानों को देख लो, दुनिया के संविधानों को पढ़ लो। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और शिक्षा भी कुछ सीमित दायरे में थी। बहुत बड़ा इनोवेशन रिसर्च भी भारत में नहीं होता था, लेकिन मानवीय चिंतन भारत के लोगों में शुरू से रहा। हमारी शिक्षा की प्रणाली, गुरुकुल प्रणाली के कारण हमारी कुछ अच्छी परंपराएं जो हमेशा रही, उसके कारण हम समाज जीवन के अंदर जो कुछ भी आज लोकतंत्र में देख रहे हैं वो हमारे प्राचीनतर लोकतंत्र की पद्धतियां रही है। कोई जमाना था कि गांव के अंदर न तो कोर्ट हुआ करते थे, न थाने हुआ करते थे, लेकिन जो कुछ भी अदालत, पंचायत में जो फैसला होता था सब मानते थे। आज भी परिस्थिति देख रहे हैं, जितने थाने खुले उतने थाने कम है, जितने कोर्ट खुले उतने कोर्ट कम है। तो बेहतर परंपरा कौन सी हुआ करती थी? बेहतर परंपरा वही हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी या कोई नए परिवर्तन से अच्छी परंपराएं जुड़ गई हो, ऐसा नहीं है। बदलते परिपेक्ष में समाज जीवन के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हुआ वो कुछ परिवर्तन अच्छा रहा, कुछ हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार अच्छा नहीं रहा। लेकिन भगवान ने आपको
एक शिक्षित समर्थ ऊर्जावान नौजवान के रूप में आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है कि आप अपनी सामर्थ्य से अपने प्रयासों से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, किसी के जीवन में खुशी ला सकते हैं, प्रसन्नता ला सकते हैं। अभी जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि किस तरीके से गांव में आपने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, नौजवानों को छोटे छोटे काम कर कर गांव आत्मनिर्भर बने, गांव में लोगों को रोजगार मिले, इस दिशा की ओर काम किया है। ऐसे कई सारे विषय हैं, क्योंकि आज संसद में आए इसलिए संसद की जानकारी आपको होना जरूरी है। संसद के सारे पहलुओं को, परिवर्तनों को, संविधान में परिवर्तन हुआ, कानून बने, नियम बने, चर्चा संवाद के माध्यम से ही बेहतर परिणाम आए, कोई समाज में अच्छी चर्चा होती है, संवाद होता है, तो उससे बातचीत करते कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम भी निकलते हैं। ये परंपरा प्रपाटी लोकतंत्र की रही है, और आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तो लोकतंत्री शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। दुनिया के वो देश भी जहां पर लोकतंत्र नहीं है, जहां एक दल का शासन है या अभी भी किंग प्रणाली चल रही है, वहां भी लोकतांत्रिक प्रणालियां है, उन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित की है। तो दुनिया ये समझ रही है कि भाई लोकतांत्रिक शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति, इसके अलावा कोई बेहतर पद्धति दुनिया के अधिकतम देश देख रहे हैं। हम तो उन देशों के अंदर भी जाते हैं जहां वन एक दलीय प्रणाली शासन की, जहां शासक पीढ़ी दर पीढ़ी बनते आ रहे हैं, लेकिन वहां भी संसदें हैं, वहां भी लोकतंत्र की प्रणाली का सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है। तो किया है तो इसलिए बेस्ट पद्धति यही है, ये मानकर चलना चाहिए। तो उस लोकतंत्र की बेस्ट पद्धति में हम क्या सीखें, क्या अनुभव करें और श्रेष्ठ परिणाम ला सकें, यही आप इस संसद से अनुभव करके जाएंगे तो मुझे लगता है समाज में एक बेहतर परिणाम देंगे।